सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इदां दे बच्चे दे नाल रेप होया है। तो मैं ग्रेजुएशन कीती, उस तो बाद LLB। एक्चुअली रीज़न ये सीगा कि जिदा बच्चे नाल रेप होंदे हैं अपने सोसाइटी च। फिर पहले दिन मैं पहला परौंठा बनाया सी, वो टुट गया सीगा। मैं बनाया तो परौंठा ही सीगा, वो पता नहीं की बन गया, कई टुकड़े हो गए। नेहा दीदी के पास आए हैं ट्राई करने के लिए बाहुबली परौंठा, जो कि इनका बहुत टेस्टी होता है। कार्ड शुरू करने का रीज़न स्टडी ही है, क्योंकि मैं सोचा सी कि स्टडी दे नाल नाल जॉब दे नाल नाल मैं स्टडी कर लूँगी। मैं पहला जॉब करती सी, तो जॉब के नाल गुड़िया की पढ़ाई तो घर का खर्चा चल जाता सी। और मैं भी कोरेस्पोंडेंस की है, ज़्यादा परेशान नहीं हुई। जब मैं LLB शुरू की फिर मैं परेशान होने लगी सी, क्योंकि मेरे कली अर्निंग नाल घर चलाना तो गुड़िया की पढ़ाई तो मेरी भी स्टडी वो मुश्किल हो रही थी। लॉ की पढ़ाई नहीं चलनी सी, घर भी नहीं चलना सी। मेरी बेटी भी है एक, गुड़िया का भी खर्चा, वो स्पोर्ट्स करती, वह भी खर्चा है। पार्ट टाइम नाल तीन चीज़ें नहीं होनी सी, तां करके मैं ये काम शुरू किया और मैं अपनी स्टडी छड़ती। आ छोले हैं, पूड़ी के साथ चलते हैं, और ये मिक्स वेज है, आलू, बंद गोभी, गोभी, गाजर, टमाटर, और ये दाल है, दाल मतलब अरहर वाली दाल है, तड़की हुई जीरा टमाटर प्याज से, और ये साग है, साग भी तड़का हुआ है मक्की की रोटी के साथ। ये दही है जो कि पराठे के साथ चलता है, और ये चटनी है, ग्रीन चटनी है, हरी मिर्च, हरी धनिया, लहसुन, टमाटर और पुदीने की। शुरू तो ही मैं मतलब ग्रेजुएशन कीती सी, पहला ग्रेजुएशन करन दा ए सीगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन LLB 3 years की है, और प्लस टू के बाद LLB 5 years की है। तो मैं ग्रेजुएशन कीती, उस तो बाद LLB। एक्चुअली रीज़न ये सीगा कि जिदा बच्चे नाल रेप होंदे हैं अपने सोसाइटी च, इन्हां दे अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, हुण भी हो रहे हैं, पॉक्सो एक्ट आन तो बाद भी हो रहे हैं। तो बेसिक मेरा रीज़न यही सीगा कि मैं LLB करके विच ये देखांगी कि इनू आपां किदां स्टॉप कर सकते हैं, चीज़ नूं किदां बंद कर सकते हैं। बट इदां दा पढ़ाई दे विच नहीं है, तानू मतलब बहुत ज़्यादा एक ह्यूज मतलब ऑडियंस दी, एक ह्यूज बड़े संगठन की जरूरत है, जो मिलके इसके लिए मतलब इहदे अगेंस्ट फाइट होवे, इहदे अगेंस्ट आवाज़ चक्की जावे, जिहदे करके मतलब एक लॉ बने। मेरा LLB करन दा यही रीज़न सीगा। आलू मसाला है, तो आलू के पराठे के लिए, और ये मक्की की रोटी है, वो मक्की का आटा तो मैं मतलब उसी टाइम ही गुन लेनी है। तो मटरी भी आप ही बना रही हैं? हाँ जी, हाँ मटरी पई है, मैं आप ही बनानी हूँ। सर देश आज़ाद हो गया, लोगों की सोच ऊपर नहीं जा रही, लोगों की सोच थल्ले आ रही है। मैं जो देखती हाँ स्टडी का बहुत ज़्यादा मतलब गैप है, लोग मतलब ये चीज़ नू समझ नहीं पा रहे कि इस चीज़ नू मतलब नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। देखो बच्चे अपने देश का फ्यूचर होंगे हैं, कुड़ियाँ मुंडे जोड़े छोटे छोटे हैं, निके निके हैं, हूँ उन्होंने मान लो कोई गलत काम हो जाना या हो जूगा या हो जाता है, हो रहा है, तो चीज़ मतलब उन्होंने मन से उन्होंने शरीर से इन्नी मतलब जख्म करते हैं, करती है ये चीज़ इन्ना मतलब हर्ट करते हैं, हार्म करते हैं, कि इस चीज़ तो बाद फिर बच्चे आगे बदन का सोच नहीं सकते कि मतलब साढ़े नाल ये होया है, आप मतलब की करना। बचपन होंदा सी, कई मर जाते हैं, कई इदा मतलब पता नहीं, मैनू समझ नहीं आती इनू मैं किदा डिटेल च करा, कहना बड़ा कुछ है, बट समझन वाली गल है तो थोड़े च भी समझ आ सकता है लोगों नू कि इस चीज़ दे नाल चाहे अपना बच्चा होवे चाहे किसी होर दा बच्चा होवे, है तो है, बुराई है ये चीज़, इनू खत्म करन दी जरूरत है। अज भी मैं पेपर पढ़िया है, उच न्यूज़ आई है, मूक बधिर मीनस जिहड़ा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इदा दे बच्चे दे नाल रेप होया है। तो समझ नहीं आता मैनू ये चीज़ कदों ख़त्म होनी है, तो की करना पैना है। जे मेरी एक लाइफ, मेरी लाइफ भी लग जाऊगी ना, जे मतलब मेरी लाइफ लगन नाल ये चीज़ बनती है या ये लॉ बनता है, मैनू कोई दिक्कत नहीं। मैं भावें जो मर्जी मैनू कुछ हो जाए, बट मेरी यही सोच है कि मैं अपना थोड़ा जा सैट करके, क्योंकि मेरी भी गुड़िया है, उनू भी चलो देखना करना मैं नहीं है, तो करके मैं एदे लिए फाइट करांगी, बस मेरी यही सोच है। तुझे बन रहा है गोभी वाला परौंठा, और गोभी अभी कद्दूकस कर ली गई है, और अब आ रहा है धनिया, मुझे आ गई है हरी मिर्ची स्वाद अनुसार। इतने लोग मिर्चा ज्यादा पसंद करते घट खाते हैं? ज्यादा ही खाते हैं। ओके लो जी, एक और मिर्च आ गई, ये ओपी परौंठा बनेगा मिर्ची वाला। चिली फ्लेक्स आ चुका है स्वाद अनुसार, नमक, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, अजवाइन, गरम मसाला। तो इधर से आ चुका हल्का सा आलू वाली फीलिंग,
और अभी इसी को अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। सो ये मिक्स बना रहे हैं गोभी वाला? गोभी वाला है, बट कल्ली गोभी होती है ना तो वो थोड़ी जी फैल जाती है, बाहर निकल जाती है, आलू नाल एदा कंजेस्टन भी फड़ के रखती है। नहीं सर, पहले दिन मैं पहला परौंठा बनाया सी, वो टूट गया सीगा। मैं बनाया तो परौंठा ही सीगा, वो पता नहीं की बन गया, कई टुकड़े हो गए सी ओदे। बट जेड़ा पहला कस्टमर सीगा उन्होंने खा लिया, मैंने कुछ किया नहीं। तो पूरी दी पूरी स्टफिंग आ चुकी है इहदे ते। ओ भाई साहब, एकदम ओवरलोडेड स्टफिंग वाला परौंठा रहने वाला। ये चेक करो भाई साहब, फिलिंग चेक करो और साइज चेक करो यार, ये ताबड़तोड़ काफी लंबा चौड़ा परौंठा बनने वाला है। कुछ नहीं है, मैंने अपनी अपनी जिंदगी नाल कोई भी ना कोई शिकवा है ना कोई शिकायत है। जो हो गया ठीक है, जो हो रहा वो भी ठीक है, मैंने कोई बड़ी वो इशू नहीं है कि मैं काम ए कर दी पई है। फिर की होया, काम तो काम है, सारे जने करते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा अपने हैसियत नाल कर रहे हैं सारे जने। अपनी लाइफ नाल मैं कोई नहीं है, बस यही चीज़ मैं देखती हाँ। मैं हर्ट हुंदा है शुरू तो ही, मैं मतलब काफ़ी हर्ट हुंदी सी। जो मर्जी आ जाए, चाहे जिन्नी मर्जी मुश्किल आ जाए, बट मैं करना जरूर है। बस थोड़ा जा ये सैटअप करके, ताकि गुड़िया मेरे पिछे परेशान ना हो, जो मैं कितने आना जाना पवे, जो मैं कितने बहना भी पवे, महीने बहना पवे, साल बहना पवे, तो पिछे गुड़िया परेशान ना हो, तो मैं इन्ना करके मैं उ फाइट करनी है। सर सवेरे मैं इतने 8 बजे आ जानी हाँ, तो 5, 5:30, 6 बजे तक फाइनली क्लोज कर लैनी हाँ। तो जो मैं इतों बंद करके जानी हाँ, फिर घर जाके कटिंग कुटिंग मसाले बनाना वगैरह कर लैनी हाँ। फिर सवेरे जल्दी उठ के तड़के लाना, जा फिर चटनी बनाना, मसाले बनाना, सब्जी बनाना। सवेरे अर्ली मॉर्निंग 4, 4:30 उठना पैंदा है, फिर करके सारा तैयार 8 बजे तक इतने आ जाइए। इदा मैं पता नहीं, बट मैं एक दिन जोड़िया सीगा 15 घंटे बनते सीगे। तो गर्मा गर्म परौंठा आ चुका है, और देखो इधर से चने प्लस हरी चटनी आ गई। तो सबसे पहले तो दीदी के लिए लाइक बनता है कि दीदी इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और कम से कम 5 फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि ना इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा व्यू मिले और दीदी की पूरी सपोर्ट हो सके। और तो भाई साहब, ये गर्मा गर्म परौंठा आ चुका है, और अंदर देखो एंड टू एंड फीलिंग हुई पड़ी है, और हल्की सी मिर्ची इसमें रहने वाली इस परौंठे में, और नाल देखो गर्मा गर्म चने प्लस हरी चटनी। तो बाइट रेडी है, सो इसको टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब, एकदम करंट वाले छोले हैं, करंट वाली चटनी है, और जो फ्लेवर है ना बहुत ही अमेजिंग। तो किसी ने कहा कि दिल का रास्ता पेट से होकर निकलता है, और ऐसा खाना जब खाओगे ना मतलब दिल तक छुएगा, और इतना बढ़िया खाना ना एक बार खाओगे बार बार आओगे, क्योंकि दीदी के हाथों में ऐसा जादू है, ऐसा मैजिक है कि ना मतलब परौंठे में मतलब जान डाल दी यार। एक सिंपल परौंठा है पर उसमें भी इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है ना, क्या ही बात है। और इस सर्दी में गर्मा गर्म परौंठे मिल जाएं तो सोने पर सुहागा यार। सो इस संडी के मौसम में गर्मा गर्म ऐसा खाना मिल जाए ना, सोने पर सुहागा हो जाता है। कार्ड तो सिंपल है, छोटी सी है, पर इस पर सामान आपके मन का मिलेगा, क्योंकि इसमें साग भी रहने वाला है, मक्की की रोटी, और आलू का परौंठा, गोभी का परौंठा, मिक्स परौंठा, और इसके अलावा मैगी भी रहने वाली है, साथ में चाय, और नाल अगर मन करे तो बैंगन का पड़ता, भटूरे छोले, पूरी छोले, और ऐसे बढ़िया बढ़िया खाने की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। आपने क्या करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।